उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले से लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। यहां शबाम नामक एक युवक ने श्याम बनकर पहले हिंदू युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर मंदिर में उसके साथ शादी कर ली। शादी के एक सप्ताह बाद ही उसने युवती पर निकाह कर मुस्लिम बनने और नमाज पढ़ने का दबाव डाला। युवती के ऐसा ना करने पर युवक ने उसे 3 तलाक दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब शबाम अपनी बीवी को भाइयों के साथ हलाला करने के लिए मजबूर कर रहा है। वहीं पीड़िता का परिवार इंसाफ पाने के लिए दर दर भटक रहा है। पीड़िता ने आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस से शिकायत करने के बाद भी अब तक शबाम पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस अधीक्षक को भी इसके बारे में बताया गया, लेकिन उनके ओर से भी कोई भी मदद नहीं मिली। बताया जा रहा है कि मालीपुर थाने के सारपुर उमरपुर गांव की युवती की समानपुर के हरदिलपुर में रिश्तेदारी है। आजमगढ़ के पवई थाने के मिल्कीपुर का रहने वाला शबाम ने श्यामू बनकर युवती के ममेरे भाई सुनील के साथ उसके घर पर आने जाने लगा। धीरे धीरे उसने युवती को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और उसके पूरे परिवार को शादी के लिए बना लिया। पीड़िता के अनुसार लॉकडाउन के कारण उनकी शादी टल गई थी। ऐसे उन्हें 10 जुलाई 2020 को जलालपुर कस्बे के मठिया मंदिर में जाकर विवाह करना पड़ा। शादी के एक सप्ताह बाद ही शबाम युवती पर निकाह करने, धर्मांतरण और नमाज पढ़ने का दबाव बनाने लगा। परिजनों के साथ आसपास की मुस्लिम महिलाएं भी उसे नमाज और कलमा पढ़ने के लिए दबाव डालने लगी। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की गई। इन सब से बात भी जब युवती नहीं मानी तो शबाम ने उसे 3 तलाक दे दिया, मगर घर से बाहर नहीं जाने दिया। उसने युवती को मोबाइल भी छीन लिया। इस बीच शबाम ने दोबारा निकाह करने की बात कहकर उसे अपने भाई मेहंदी हसन और शरीफ के साथ हलाला करने पर विवश किया। किसी प्रकार युवती उस शख्स के घर से भागने में सफल रही और अपने पिता के पास पहुंची। उसने उन्हें अपनी आप बीती सुनाई। इसके बाद पीड़ित परिवार मालीपुर थाने में शबाम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, मगर उनका आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई करने की बजाय उन्हें ही डांट कर भगा दिया। वहीं विश्व हिंदू परिषद को जब इस मामले का पता चला तो उन्होंने पूरे प्रकरण को सीएम योगी तक पहुंचाने की चेतावनी दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी की जानकारी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।